जेठालाल का आप लोगों से वादा है कि कल हम सब गोकुलधाम वासी एक साथ मिलके होली खेलेंगे। असली मुझे सबके साथ आता है। हाँ दाय भाभी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ एक काम हो सकता है जेठालाल, मान लो हम में से किसी की जान पहचान वाले का कोई बंगलो हो या फार्म हाउस हो और वो हमें 4-5 घंटे के लिए मिल जाए, तो वहाँ जाके हम होली खेल सकते। हाँ ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं कोई अच्छे से जगह ढूंढता हूँ। क्या कर उधर? बाइक में हवा कम है। अरे तू भरा ले, तब तक मैं इस दुकान में से होके आता हूँ। जाओ ने, जाओ ने, जाओ ने। आइए भाई साहब, बोले क्या लेना है? लेना नहीं है कुछ, बेचना है। इस मोबाइल का कितना दे सकते हैं? अच्छा चलो आप 1000 रुपए दे सकते हैं। एक्सचेंज में कौन सा नया मोबाइल खरीदते हैं उसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं नहीं, गिफ्ट में नया मोबाइल मिला है इसीलिए तो इसको बेच रहा हूँ। इधर कहीं लिखा है कि हम पुराना मोबाइल खरीदते हैं? नहीं। तो सेठ जी, एक मिनट नटू काका, देखिए आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो ही मैं बदले में आपका ये पुराना मोबाइल खरीद सकता हूँ। बाकी हमारा ये कोई भंगार का दुकान तो है नहीं कि हम लोग ऐसे पुराने मोबाइल खरीदते बैठे। देखिए मुझे पता है कि आपकी ये भंगार की दुकान ही है। अच्छा चलो आप 800 ही दे दो। समझ गया, चोरी का पीस है। क्या बुलाऊं पुलिस को? अरे नहीं नहीं भाई, रहने दो। ओ भाई, हाथ क्या रखते हो इधर? हाथ नहीं रखने का? सुबह सुबह बोनी हुई नहीं पता नहीं कहां कहां से आ जाते। ओ भाई साहब, वो दरवाजा हमको बेचने का नहीं है भाई। सेठ जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? अरे पुलिस वाला था। क्या कुछ भी फेंक रहा है नटो काका। हमारे साहब जो अभी अभी यहाँ पे आए थे वो कहाँ चले गए? कौन साहब? वही जो ब्लू शर्ट पहने थे ना, वो लंबे से थे वो। हाँ हाँ, वो हमारे सीनियर इंस्पेक्टर राणे साहब है। वो कहाँ चले गए? वो अभी अभी इधर से बाहर गए। अच्छा, देखा था ना पुलिस वाला? आपको कैसे पता चला वो पुलिस वाला था? अनुभव, मुझे उसके जूते देख कर ही पता चल गया था कि वो पुलिस वाला है। अच्छा, खामोखा पंगा ले लिया ना पुलिस वाले से। उसमें पंगा क्या नटू काका, मैंने क्या कुछ गलत थोड़ी बोला? उसमें क्या टेंशन लेने का? हम लोग ईमानदारी से धंधा करते हैं, कुछ गलत तो करते नहीं है, तो हमें उसमें कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे कैसे पता चलेगा वो पुलिस वाला है? उसका वर्दी पहन के आना चाहिए ना इधर। दो चैन चोर अभी अभी आपके एरिया में भाग के आए हैं। कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि ने जल्द से जल्द पकड़े। होय साहब, साहबाना सांगितलं पाहिजे। साहब, ते दोन आरोपी आपल्या एरियातच पळून आलेले आहेत। आत्ता आत्ता वायरला जो मेसेज आलेला आहे आणि त्यांना पकडायला पाहिजे आपल्याला। दोनों भाग कर जाएंगे कहां? अरे मंजी, कब तक ऐसे भागते रहेंगे? अरे पुलिस से बचने के लिए कहीं छुपना तो पड़ेगा ना। अरे बागा की दुकान नजदीक में ही है, तो भी चल ना। हाँ हाँ चल। सिर्फ 2-4 घंटे होली खेलने के लिए चाहिए, नहीं है? ओके। बागा
ये क्या किया तूने? क्या? तू उधर से आया, फिर वापस उस तरफ गया, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे दुकान में आया। वो क्या है सेठ जी, जिस रास्ते पर बाघा को ठोकर लगती है ना, उस रास्ते पर बाघा आगे नहीं बढ़ता, इसलिए ऐसे पूरा ऐसा घूम के आया। ये लीजिए सेठ जी, बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया है। और कोई काम? हाँ, एक काम कर, गोडाउन में जा और जितने भी पुराना खाली कार्टून है वो सब जमा करके थप्पी कर, बाद में उसको भंगर वाले को दे देंगे। जी। जोरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बागा, चल 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 चल। मटू काका जी, ये लीजिए बागा चेक डल के बैंक में। अच्छा अच्छा, क्या हुआ, वो नहीं मिल रही है जगह होली के लिए? नहीं सर जी, चार पांच जगह पूछा, कुछ बात नहीं मिली। एक काम करो, हम दोनों के लिए कड़क कम शक्कर चाय बोलो, जरा चाय पियेंगे तो हमारा दिमाग जरा तेज चलेगा, कहाँ कहाँ पूछ सकते कुछ याद आएगा। वेरी गुड आइडिया सेठ जी, मैं खुद वहाँ जाता हूँ, उसके सर पे खड़ा रह के कड़क कम शक्कर चाय बनाकर अब भी लेके आता हूँ। हाँ। कहाँ से शुरू करूँ? अरे कांजी मंजी, तुम दोनों यहाँ? देख, हमें हमें कहीं छुपा दे। क्यों? बागा, पुलिस हमारे पीछे पड़ी है। पुलिस? अरे बाप रे, क्या किया है तुम दोनों ने? देख बागा, अभी वक्त नहीं है बताने का, सबसे पहले हमें छुपा दे, मैं बाद में तेरे को सब कुछ बता दूंगा। अरे लेकिन मैं कहाँ छुपा सकता हूँ? देख कांजी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करता हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक नहीं हूँ। कैसी बात कर रहा बागा, इस अनजान शहर में तू ही तो हमारा सच्चा दोस्त है ना, तू हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हा? तेरी बात बराबर है कांजी, लेकिन मैं इसमें क्या मदद कर सकता हूँ? समझ गया मैं, अब तू पहले जैसा बागा नहीं रहा। नहीं कांजी, मैं पहले जैसा बागा ही हूँ, ये देख। ऐसे नहीं, तू बदल गया है, भूल गया है हमें। नहीं नहीं, तुम दोनों को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मुझे आज भी याद है, जब मैं 9वीं कक्षा में था तब होली का रंग मेरी आंखों में चला गया था, डॉक्टर ने 7 दिनों तक आंखों पर पट्टी बांध दी थी, परीक्षा सर पर थी, तब ये कांजी पढ़ता था और मैं सुन सुनकर याद करता था, और दूसरे दिन परीक्षा में मैं बोलता था और सारे जवाब मंजी लिखता था। तुम दोनों की वजह से ही तो मैं 9वीं कक्षा पास कर सका और 10वीं में गया, आज मैं जो कुछ भी हूं वो तुम दोनों की वजह से तो हूं। तो दोस्त, आज दोस्ती निभाने का वक्त आ गया है, प्लीज जल्द से जल्द हमें कहीं छुपा दे। छुपा दे बागा, देख बागा, तुझे दोस्ती की कसम। हाँ बागा, कुछ सोच हमारे लिए, कुछ सोच बागा, छुपा दे हमें, तुझे दोस्ती की कसम, छुपा दे बागा, जल्दी छुपा, कुछ कर बागा, कुछ तो कर। मैं इतना तेज नहीं सोच सकता, मुझे मेरी स्पीड से सोचने दो। क्या करूं, कहां छुपाऊं इन दोनों को? देखिए साहब, आपके मोबाइल का मैं ज्यादा से ज्यादा 900 दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। देखिए मैं मोबाइल बेचने नहीं आया, दरअसल दो मुझे भागे हुए हैं, जिसमें एक की हाइट 5'6" होगी, दूसरा थोड़ा लंबा है करीब 6 फुट का, दिखने में दोनों थोड़े अजीब से हैं। तो ये सब अब मुझे क्यों बता रहे हैं? दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो दोनों मुजरिम इसी एरिया में छुपे हुए हैं। क्या आपने ऐसे किसी आदमी को देखा? नहीं नहीं सर, मेरा ध्यान तो पूरा एकदम धंधे में ही रहता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे कोई आदमी दिखे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा, हम यहीं आपके दुकान के बाहर हैं। हम यही आपके दुकान के बाहर ही है, तो मुझसे पहले तो आपको ही दिखेंगे ना। सेठ जी, वेलजी भाई गाला अपना फार्म हाउस भाड़े पे देते हैं। अरे तो फोन करो जल्दी। कहाँ जा रहे? अरे फोन करना सेठ जी। ओहो, हेलो हेलो बगू,
नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ नटू काका बोलो। तेरे वेलजी भाई सेटअप ना फार्म हाउस भाड़े पे देते हैं ना? हाँ। तो होली खेलने के लिए 5-6 घंटा भाड़े से मिल सकता है? किसे चाहिए? अरे भाई हमारे जेठालाल सेठ जी को। देखिए नटू काका, वैसे तो वेलजी सेठ होली के लिए किसी को फार्म हाउस देते नहीं है, आप पहचान के हो तो आपको मिल सकता है। अरे वाह, कितना भाड़ा है? अच्छा 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 सेठ जी, सवेरे 9 बजे से 2 बजे तक फार्म हाउस फ्री है। हाँ। 3 बजे के बाद दूसरे की बुकिंग है। हाँ। और 20,000 भाड़ा। हाँ, डन करो बोलो, चाहिए बगो, डन कर दे। हाँ तो नटू काका, 10,000 रुपए एडवांस देना पड़ेगा आपको। एक मिनट सेठ जी, 10,000 एडवांस मांग रहा है। अरे 10 क्या, उसको बोलो 20 दे देंगे। भगू, सेठ जी बोलते हैं 10 क्या 20 एडवांस ले ले। अरे एडवांस कहाँ हुआ, वो तो पूरा हो गया ना, फुल पेमेंट हो गया। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी 20,000 फुल पेमेंट ले ले। तो कल की बुकिंग आपकी पक्की? पक्का कल की बुकिंग, मैं अभी पैसे देने आ रहा हूँ। ठीक है नटू काका, आप आ जाइए। थैंक यू भगू, थैंक यू सेठ जी, आनंद हो। थैंक यू नटू काका, थैंक यू सेठ जी। एक मिनट ये 20,000 है, अभी कभी जाके देखा उसको। सेठ जी, हुआ ना चाय का असर? मंगवाई थी किसने? आपने। लेकिन सर पे खड़े रह के बनवाई थी किसने? आपने। तो जाइए जल्दी देकर आइए, वो जेब में रखिए नटू काका, हम लोग रास्ते में सपोर्ट करते हैं। वाह, थैंक यू चाय। हाश, अब तुम दोनों इसमें ही छुपे रहना, और जब तक रात को गोडाउन बंद ना हो तब तक इसमें से बाहर मत निकलना, और भगवान से प्रार्थना करना कि सेठ जी को इस बारे में पता ना चले। आइए भाई साहब। आइए बैठे। कौन हो तुम दोनों? कब से बुला रहा हूँ तुम दोनों को, सुनाई नहीं देता है? ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? एक मिनट, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कल्पिता सोसाइटी से आए हैं टीवी खरीदने के लिए। मेरा कस्टमर लोग है? आइए भाई साहब, भले पता रहे, हर टाइप का टीवी है हमारे पास, देखो इधर सब टीवी है, इधर सब एलसीडी है। चल चलते हैं, ऊपर भी 32 इंच का है। अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे सुनिए, अरे भाई ये क्या किया इंस्पेक्टर साहब आपने? आप ऐसे मेरी दुकान में आके मेरा कस्टमर लॉक से पूछताछ करेंगे तो मेरी दुकान में कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। देखिए, जो दो खतरनाक मुजरिम भागे, कमिश्नर साहब का ऑर्डर है कि 24 घंटे के अंदर उन दोनों को पकड़ना है। नहीं, पकड़ो जरूर पकड़ो, लेकिन कमिश्नर साहब ने आपको ये बोला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके ही पकड़ो। अरे साहब, ऐसा मेरी दुकान के बाहर ही पैरा लगा के बैठेंगे तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। समझा, आपका मोबाइल लिया नहीं मैंने, इसलिए आप बदला ले रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। पता नहीं सच में कोई भागा भी है या नहीं, या मुझे परेशान करने के लिए नाटक कर रहे। इससे तो अच्छा 1200 में इनका मोबाइल ले लिया होता। सेठ जी, फतह हुआ, बुकिंग हुआ। यू नो वेरी वेल आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट। अरे बुकिंग हुआ कि नहीं, बोलो ना नटू काका। अरे सेठ जी, कल 2 बजे तक कृष्णकुंज फार्म हाउस अपना, दैट इज प्रूफ, 20,000 रिसिप्ट। अरे वाह नटू काका, कल आपको और बघा को भी आना है होली खेलने? ऑफकोर्स ऑफकोर्स, नॉट सेठ जी। वाह, चलो सबसे पहले हियर भाई को फोन करके बता देता हूँ, वरना वो बबीता जी को लेकर पुणे चले जाएंगे। हेलो। ओहो, ले बोला बबीता जी, मैंने अय्यर भाई का गुड न्यूज देने के लिए फोन किया और फोन आपने ही उठाया। अच्छा, क्या गुड न्यूज है? अच्छा, हेलो जीठा जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। वो कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। हेलो बबीता, मेरे को दो, मैं बात करता है। ओके। हेलो। अय्यर भाई। हाँ बोलो जनरल। कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया है।
क्या मिक्स हो गया? अरे मिक्स नहीं, फिक्स फिक्स हो गया है प्रोग्राम। आपको अभी कहीं नहीं जाना है। हेलो। अरे जेठालाल क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं क्या? हेलो मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जेठालाल। हेलो हेलो कट हो गया। क्या कह रहे थे जेठा जी? नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा। नहीं 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 बोल रहा था। मेरे को लगता है उसका वो होली का प्रोग्राम का बंदोबस्त नहीं हुआ होगा। ओह नो। इसलिए तो नहीं नहीं बोल रहा होगा। दैट्स सैड। अरे नट्टू काका खड़े खड़े देख क्या रहे? बंद करो ना भैया, क्या ढोल बजा रहे इधर। जी सेठ जी। जाइए जाइए जल्दी, बंद कर रहे। ये लो तुम्हारा बख्शीश, होली है। जाओ जाओ होली है। या तेरी नींद। हेलो हेलो हेलो। हाँ यार भाई, मैं ये बोल रहा था कि कल का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। अरे लेकिन जेठालाल तुमको ये पहले बोलना था। अभी मैंने तो पूना जाने का कार्यक्रम फिक्स कर लिया। अरे कभी फिक्स किया? मैंने अभी आपको फोन करके बोला तो सही। अरे लेकिन तुम तो ऐसा नहीं 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 कुछ ऐसा बोल रहे थे। अरे नहीं 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 मैं बोल रहा था कहीं नहीं जाना है आपको। होली का प्रोग्राम मैंने फिक्स कर दिया कल का इधर। तो अब क्या प्रोग्राम है वो? मैं हम लोग रात को मेहता साहब के घर पे मिलेंगे ना, तभी विगत वार सब समझाऊंगा। ठीक है ठीक है। आप जरा बबीता जी को फोन दो, उनको भी गुड न्यूज दे दो। नहीं मैं बबीता को बोल देगा। ओके हाँ वो भी है। ठीक है बता देना उनको। बाय। कौन थे वो लोग? अरे होली मांगने आए थे सेठ जी, दे दी होली 500 रुपए, खुश होके चले गए। 500 रुपए? नटू काका 50 रुपए होली देने की होती है। 50 का जमाना गया सेठ जी, 50 में क्या होता है, कुलाल भी नहीं आता। अरे पता है सेठ जी महंगाई कितनी बढ़ गई है? तभी तो मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। अभी इसमें बीच में पगार की बात कहाँ घुसड़ रहे नटो काका, काम की बात कीजिए। वो मैंने बैलेंस स्टॉक का लिस्ट बनाने को बोला था, बनाया। तैयार है सेठ जी? हाँ तो दीजिए मुझे, दीजिए मुझे, गोडाउन में जाकर चेक करना है। अभी लाया सेठ जी। मंजी तू सेट है ना? हाँ। हर्ष कांजी। हाँ तू सेट है ना? गर्मी बहुत लग रही है। फ्रिज के बॉक्स में है फिर भी गर्मी लग रही है। हाँ रमणिक भाई। सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। अरे जैसा आप बोलो। हाँ आप बोलो तो होली के बाद मैं डिलीवरी करवा दूंगा। हाँ हाँ होड़ा स्टॉक मैं भी समझता हूँ। हाँ हाँ ओके। हाँ बा अभी क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी अभी दो लोग यहाँ आए। हाँ तो पहले बाघ आया बाद में मैं इधर आया, हो गए ना दो लोग। देखिए आपके बाजू की दुकान वाले ने हमें बताया है कि उसने दो लोगों को आपके गोडाउन की तरफ भागते हुए देखा है। तो गोडाउन आपके सामने है, ले लो तलाशी। दुनिया में यूनिफॉर्म और वर्दी का आविष्कार शायद इसीलिए हुआ होगा ताकि आप पहचान सके कि किस वर्दी में कौन छुपा है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म ही नहीं पहनी हो तो कोई कैसे पहचाने? अब इसमें जेठालाल की क्या गलती कि उन्होंने पुलिस वाले को नहीं पहचाना और बगैर पहचान के एक पुलिस वाले से पंगा ले लिया। और जेठालाल की किस्मत तो देखिए साहब, बाघा ने दो मुजरिमों को छुपा दिया है जेठालाल के गोडाउन में। भाई ये जेठालाल की किस्मत की जो अभी तराजू है उसमें एक तरफ पुलिस की प्रॉब्लम्स है और दूसरी तरफ होली की खुशियां हैं। अब क्या होने वाला है? भाई अगर आज मैंने आपको ये बता दिया कि क्या होने वाला है तो आप तो इंतजार करना छोड़ देंगे, ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त कुछ प्रदेशों में लोग चुनाव के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। आप अभी इंतजार में हैं कि जेठालाल की इन होली की खुशियों में क्या होगा। क्या पुलिस के जो शिकारी पंजे जेठालाल की ओर बढ़ रहे हैं
उन्हें पकड़ पाएंगे क्या, जेठालाल होंगे शिकार या होगी होली की मस्ती, ये सब जानने के लिए देखिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।